सेना का मनोरंजन करते थे। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने ओलंपिक खेलों में बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। झंडे तुलन के बाद बातों की चर्चा करनी होती है। आज सबको मालूम है कि अपना देश को पिछले साल से और दुनिया के अन्य देश को और ज्यादा समय से कोरोना से प्रभावित है। पिछले वर्ष तो कोरोना काफी नीचे चला गया था, फिर इस वर्ष अचानक तेजी से बढ़ा दूसरे लहर में, और अब सबको मालूम है कि दूसरे लहर में भी काफी कुछ सुविधा हुई है। अब जो कोरोना की जांच, उसका इलाज, ऑक्सीजन लोगों को कोरोना की जांच के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं। शहर में, गांव में, हर तो इसके लिए जो अब तक 3,94,00,000 से अधिक जांच हुआ है और कल का जो फिगर है 14 अगस्त 2021 का, अब बिहार में एक्टिव मामले मात्र 250 और फिर भी इतने कम एक्टिव मामले हैं तब भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नए केस मिलते हैं। कल कुल 39 केस नए केस मिले, तो सबको मिलाकर 250 लोग यहाँ प्रभावित हैं। और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है तो 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले को भी ये सब किया गया है। तो अगर सबको जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है, वैक्सीनेशन का, वो 3 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करें, यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है, और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं उनके टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया गया है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें, और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो इस साल पिछले साल से पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन किया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावा आप जानते हैं प्रारंभ से ही पिछले वर्ष से ही इसके कारण, कोरोना के कारण
जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो ये निजी फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजार आपका प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के क्लिनिक थी, अगर मान लीजिए कि क्लिनिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वक्त सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई। और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावा बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची होंगे अनाथ, तो वैसे अनाथ बच्चों काम तो कर ही गए अस्पताल से जो भी करना है किया ही जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह दूसरे लहर के खतरे की बात की जाए तो उसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस से किसी तरह से पूरी तैयारी है। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के अस्पतालों में ये काम पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो बच्चे हैं इसी महीने में अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो गया। और इसके अलावा हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक। और जो 5 बच्चे हैं उनका भी लक्ष्य किसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है, हर तरह से जितने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए, ये सब लोगों को हाथ साफ करते रहिए, ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है। हम सभी से आग्रह करें कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कहीं कहीं कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। हम सबसे आग्रह करें कि भाई मास्क का प्रयोग करें। अभी आप जान लीजिए ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात है, जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही है, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तो भी इसलिए जरूर है कि भाई लोग सतर्क रहें इसके लिए। और अभी तो आप जानते हैं कि आखिरकार बरसात का समय है, भारी बरसात प्राप्त हुआ है और इस बार तो जून माह में जितना बरसात प्राप्त हुआ है ऐसा कहीं होता नहीं था, इतना ज्यादा बरसात प्राप्त हुआ उसका भी असर पड़ा। और उसके बाद इस बार भी तो शुरू ही हो गया है। आमतौर पर जो होता था कि अगस्त में आप समझिए इसके बाद और सितंबर में बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं कि शुरू से ही बड़े पैमाने पर हुआ है। और जो जून महीने में जितना वर्षा पात हुआ दोगुनी वर्षा पात हुआ, इन सब चीजों को देख करके हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर बिहार का भी हुआ, दक्षिण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति हुई, अब तो गंगा नदी के किनारे भी इसकी स्थिति आ गई है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने किया है, भाई राहत केंद्र हो, सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं जगहों पर। और एक बात हम लोगों ने इसमें भी कर दिया कि जहाँ कहीं भी हो रहा है, एक तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो गांव से निकल करके और जिनको अलग रखना होगा, खिलाना होगा, तो सब लोगों का एक टेस्ट भी करते हैं, जांच भी करते हैं, कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं। और दूसरी बात, सब लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। मैंने स्वयं भी जाकर के देखा है कि जांच भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है, एक एक तरह से हम लोग अलर्ट हैं। बाकी सबको जो बाढ़ की स्थिति में उनको परेशानी है उनको सुविधा देने के लिए तो काम कर ही रहे, इन सब चीजों पर भी काफी लड़की है। और पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, कौन सा काम नहीं किया जा रहा। और आप समझ लीजिए कि भोजन कराने का भी आप जानते हैं कि 2007 से हम लोग फूड पैकेट भी बंटवाते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है।
कि बाहर नहीं आ सकते, फूड पैकेट भी बंटवाया जाता है। तो ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और जो नेतृत्व संगीत होता है, अनुग्रह सहाय राशि हर पीड़ित परिवार जो प्रभावित परिवार है उनको 6,000 रुपये की अनुदान दी जाती है। और आप सबको मालूम है कि शुरुआत 2007 में हमने किया है, उसके बाद हमने इस चीज को लाया है 6,000 रुपये का। तो सब तरह से हर तरह से हम मदद देने की शुरुआत की है। जब से काम करने का बिहार के लोगों ने मौका दिया है हमको, तब से एक एक चीज पर सतर्कता बरतने के लिए और हर काम हम लोग करते रहे प्रारंभ से ही। और अब तो उसकी स्थिति को और भी कर दिया गया है। और इससे फसल क्षति होती है उसका भी आकलन किया जा रहा है। और फसल क्षति के आकलन होने पर जहाँ जहाँ प्रभावित है उनको कृषि इनपुट अनुदान भी हम लोग देते हैं। ये सब भी काम कर रहे हैं। अब तो आप जानते हैं कि अगस्त और सितंबर में आमतौर पर पहले आता था, लेकिन आपको स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त है अब तक कितना सब कुछ हो गया है। जो बताया गया है जब तरह का सब जगह का हमने फिगर मांगा था तो उसके हिसाब से लगा है कि कम से कम 34 लाख आबादी प्रभावित। अब आप समझ लीजिए कि इसके बाद का भी जो खतरा हो सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर सजगता है, सबों को सतर्क रखा जा रहा है। तो हर प्रकार से बराबर इस पर नजर रखी जा रही है। अब तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम शुरू से ही कहते हैं कि अपने राज्य में कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार, जो भी हम उनके राज्य सरकार के पास पैसा है अगर इस तरह से आपदा से प्रभावित होते हैं उनके लिए हम सहायता करते हैं। और शुरू से ही हम लोगों का एक संकल्प है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार। ये सब काम तो कर ही रहे। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उस सब में भी विधि व्यवस्था की स्थिति एक एक चीज पर नजर रखी जाती है। और आप तो जानते हैं कि हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि थानों में अनुसंधान का काम अलग लोगों को और कानून और व्यवस्था को संभालने का काम अलग हर थाने में अलग अलग ये इंतजाम किया जा चुका है। इसके लिए हम लोग बहुत समय पहले से ही इस पर विचार करके काम कराना चाह रहे थे, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया ताकि कहीं भी अनुसंधान का काम कोई क्राइम हुआ है घटना घटी है तो उसको अनुसंधान का काम भी नियमित रूप से होना चाहिए, विलंब नहीं लगना चाहिए। और जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको संभालने के लिए एक अलग विंग रहेगा। तो ये सब काम हम लोग कर दिए हैं। और आप जानते हैं कि हमने इन सब चीजों की और सब तरह से क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है। और शुरू से हम इस बात को कहते रहे हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये काम तो करते ही विधि व्यवस्था के हाथ। और फिर जरा समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया है। आधारभूत संरचना का है, का काम किया, सड़क का, पुल पुलिया का, सब का काम कितना किया, सरकारी भवनों का काम अभी साल नहीं देख लीजिए कैसा सुंदर बना। सब चीज को देखते रहिएगा, एक एक चीज को सब जगह किस प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया तो उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो निर्माण कर दिया गया सड़क हो या पुल पुलिया हो या भवन का निर्माण, अब उसके मेंटेनेंस का काम हर तरह से विभागीय स्तर पर करने का हम लोगों ने कहा। इसके लिए विभागों में ये नीति बनाई जा रही है कि उस विभाग के द्वारा ही किया जाएगा और उसके लिए ठेका करके नहीं, बल्कि विभाग की जिम्मेवारी होगी बन करके तैयार है उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना, हमेशा उसका रख रखाव करना, ये उन्हीं का काम है। तो ये सब काम के लिए हम किए जा रहे हैं। और आप जानते हैं दिल्ली की जो स्थिति हुई, क्या स्थिति थी पहले, अब तो आप जान लीजिए कि कहाँ था, क्या स्थिति थी पहले बिजली की, कैसी खराब स्थिति थी। राजधानी पटना में भी लोगों को बिजली नहीं मिलती ठीक ढंग से, और अब सब जगह हर घर तक बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया। और इसके अलावा जर्जर तारों को भी बदल दिया। अब 2005 में जहां 700 मेगावाट की खपत थी बिहार में, अब बढ़ करके
6600 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, बिहार पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना हम लोगों ने शुरू किया और तो देश में भी नीति बन गई। ये काम बिहार में शुरू किया प्रीपेड मीटर का और यहां पे ये शुरुआत हुआ कि प्रीपेड मीटर लोगों को मिलना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हर तरह से और पूरे तौर पर एग्रीकल्चर के लिए तो काम कर ही रहे हैं। डेडिकेटेड कृषि फीडर का भी कितने बड़े पैमाने पर निर्माण सब करा दिया गया है। हर तरह से कृषि के क्षेत्र में आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है अपने बिहार में, तो उनके लिए सब काम हम लोग करते रहते हैं, चाहे फसल हो, फल हो, सब्जी हो, उसके उत्पादन में उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है सबको मालूम है। और आप जानते हैं कि इस बार क्या हुआ, विदेश में गया शाही लीची, दुबई में गया और आपका भागलपुर का जर्दालू आम, वही हम सबको भेजते रहते हैं शाही लीची और जर्दालू आम। आज कितना समय कहा 2007 भेज रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोगों को दिल्ली में हर जगह भेजते हैं, हर दूसरे देश के लोग हैं उनको भी भेजते हैं, अपने यहाँ के जितने मंत्री हैं सब है, सब लोगों को भेजा करते हैं। बिहार का जरा ध्यान लीजिए कैसा फ्लेवर आम है और किस तरह से यहाँ पर सब चीज होता है। तो एक एक चीज जो है तो इस बार खुशी हुई है कि शाही लीची का निर्यात हुआ दुबई में बहुत गया और भागलपुर का जर्दालू आम लंदन में पहुंच गया। तो ये सब बिहार का ये सब चीज अब जा रहा है और हर तरह से आप जानते ही है कि हम लोग जितना ज्यादा अभी प्राप्ति करते हैं कहीं कहाँ प्राप्ति होती कहीं तो ऐसी प्राप्ति नहीं। हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू कराया और इस बार जो है आपको सब दिन से हम लोगों ने शुरू करा दिया पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से। तो अब इस बार जो हुआ यानी आप समझ लीजिए धान की जो खरीद हुई 35,59,000 मीट्रिक टन की भी प्राप्ति हुई और उसके बाद इस बार हम लोगों ने गेहूं पर भी जोर लगाया, हमें गेहूं ना मापे का होता था और इस बार उसको जोर लगाया सब लोगों से बातचीत करते हुए इस कोरोना के दौर में भी तो 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं के से प्राप्ति हुई और अब इंतजाम कर दिया है कि अगले साल से और ज्यादा भी प्राप्ति होगी, किसानों को इसका फायदा मिलेगा, सब लोग जो उपज करते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, प्राप्ति उनकी ली जाएगी, कहीं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। आप देख लीजिए इथेनॉल का उत्पादन होगा, आप लोगों को याद होगा 2007 में हम नियम बनाए, केंद्र सरकार एग्री नहीं किया उस समय, हम लोग बनवाना चाहते थे इथेनॉल, गन्ना से इथेनॉल के लिए काम करना चाहते थे, नहीं माने लोग और आप केंद्र सरकार ने इसको तय कर लिया है इथेनॉल क्या इन सब चीजों के लिए। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना और मक्का, इससे जो इथेनॉल का होगा तो इसके उत्पादकों को कितना लाभ मिलने वाला है और जो इसका इसके इसके लिए होगा इसकी जो नीति बनी है इसको लागू किया है। पहली बार हम जब पॉलिसी बना रहे थे उस समय भी बहुत लोग इथेनॉल के लिए यहाँ प्रस्ताव दिए थे, 2007 में करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का लगाना चाहते थे लेकिन केंद्र ने माना, इसके उद्योगों का काम आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अब केंद्र सरकार इसको कर रही है तो देखिए बिहार में आ गया है इस बार 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आ गया है प्रस्ताव। हम आप सोच सकते हैं तो किस तरह से हम लोग एक एक चीज के लिए सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग इसके कोरोना महामारी के दौर में बाहर से हमारे लोग मजदूर लोग लौटे थे, अब उनको प्रेरित किया गया कि आप यही रहे तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि कलकतिया में बेतिया के कलकतिया में जो देखने गए थे कि हम दिसंबर में कितना अच्छा किया वक्त और खेल कूद सामान का निर्माण दिया, तो इसके लिए हमारे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा का इस्तेमाल तो करना पड़ी, लेकिन शिक्षा का जो सबसे बड़ी बात है, सबको पढ़ाने का काम सब कुछ किया और सबसे ज्यादा जो हमने लड़कियों को दिया। अब स्थिति क्या हो गई, मैट्रिक में अब लड़का लड़की बराबर हो गया, और कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी, ये स्थिति आ गई। और आप जानते हैं हम लोग को तय कर दिए हैं जनजाति के लिए मिशन मानव विकास था और है भी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण कराया जो कि चलते बराबर करते कि कितना अच्छा परिणाम आया था कि अगर बिहार की आबादी कितनी बढ़ती हो गई, प्रजनन दर कितना ज्यादा है, 2005 में हम लोग आए थे 4.3 कितना प्रजनन दर लड़कियों को पढ़ाना शुरू वो घटा और मीडिया में तो आगे के करीब 4 हो गया प्रजनन दर। लेकिन जब उस समय ये पूरी जानकारी मिली कि अगर लड़की पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर में प्रजनन दर 2 और बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो देश का प्रजनन दर था 1.7 और बिहार में निकला 1.6। तो उसी समय युवा की भावना आई और उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया कि हर पंचायत में पढ़ाई का इंतजाम करें और काम को करने के लिए जो किया जा रहा है आप सब जानते हैं। 5,438 पंचायतों में हो गया, 2,948 पंचायतों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, 11वां 12वां का भी काम चालू किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो लड़कियां पढ़ लेंगी अगर इंटर तक तो ऐसे ही प्रदर्शन का नीचे चला जाएगा। इस तरह से जो आबादी इतनी बढ़ती है बिहार में प्रजनन दर ज्यादा है, अपने आप और नियंत्रित हो गए बिहार के हित में हो गए कि हम लोग पहले से इस काम के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि जो काम हम लोगों ने शुरू किया 13 के बाद अब आकर के प्रजनन दर 3 पर पहुंच गया है। अब आप समझ लीजिए कि यही काम आगे बढ़ेगा तो कुछ सालों में निश्चित रूप से ये प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाए। तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि सब तरह की सुविधा लोगों को हो, और आप सब जानते हैं न्याय के साथ विकास पूरे समाज के हर तबके का काम और विशेष हर के लिए काम करते हैं। लेकिन खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय पूरी महिलाओं के बारे में चर्चा करें तो महिलाओं का सभी महिलाओं का अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का और जितने भी हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं सबके उत्थान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। और एक बात तो आप जाहिर है कि अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग का BPSC और UPSC अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लड़के हो या लड़की हो उनको ये सुविधा दी जाती है अगर वो BPSC का पास किए पहला चरण और अगला में उनको अंतिम में जाना है तो 50,000 और कोई UPSC का पहला पास किया और उसको दूसरे चरण अंतिम चरण में जाना है तो 1,00,000 का मिलेगा। तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं परिवहन की योजनाओं को चला करके भी किस तरह से लोगों को हम लोगों ने मदद किया। हर जगह हर पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के 4 अति पिछड़े वर्ग के 3 लोगों को 1,00,000 रुपये तक की मदद ताकि वो इसको खरीद करें और इसके परिवहन के काम को आगे बढ़ाएं, वहां से खरीद करें। और अब एम्बुलेंस की योजना के लिए भी हर एक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस का, एक अनुसूचित जाति या जनजाति को और एक अति पिछड़े वर्ग को, और इसके लिए 2,00,000 रुपया दिया जा रहा है। और समझ लीजिए कि इसमें 1,068 का लक्ष्य है, यानी हर प्रखंड में 2 और अब 440
करने का प्रयोग हो चुका है। एक एक काम जो करना है हम लोग तो कर ही रहे, सब जगह से कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 33 पुराने जर्जर छात्रावास में से 14 भवनों का जीर्णोद्धार और 19 को तोड़कर नए भवनों का निर्माण किया है। 40 नए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर। एक एक काम कर रहे हैं, संक्षेपों के लिए कितना काम किया, एक एक बात को याद रखना चाहिए। हमने सरकार को जब से राज्य में मौका दिया है सबके लिए कितना काम करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम हुआ, उन लोगों के लिए रोजगार भी योजना भी देते हैं युवा की युवतियों को, और जो प्राप्तदा महिलाएं हैं पहले तो दिया था 10,000 रुपया परिचर्चा सहायता आपको बढ़ाकर कर दिया 25,000 रुपया, और इसका लाभ अनेक महिलाओं ने लिया, हजारों महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना उसका एक हिस्सा मदरसा लोग का पूर्णिया में बना ही दिया है, कोई गलत चीज है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि मदरसा के जो शिक्षक थे क्या मिलता था, उनको क्या तनख्वाह मिलती थी, और अब मदरसा के शिक्षकों को वही तनख्वाह हम लोग दे रहे हैं, वही पैसा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं जो अन्य शिक्षकों के लिए किया। तो आप सोच लीजिए, और 20-21 में 483 करोड़ रुपया दिया गया मदरसा के जो शिक्षक उस पर खर्च किया। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है। और फिर सुन्नी और शिया वक्फों के जमीन पर बहुदेशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स की सबका निर्माण करने के लिए हम लोगों ने तय किया, इसकी शुरुआत हो गई। और वक्त की जमीन पर हर जिले में प्लस टू तक की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना बनी है। दरभंगा में निर्माण कार्य जारी है, कई जगहों पर किशनगंज पूर्णिया मधुबनी आदि में जमीन उपलब्ध हो गया, उस पर काम योजना स्वीकृत कर दी है। तो ये सब काम हुआ तो हम लोग तो काम करते ही रहे, और साथ में योजना में पिछले टाइम हम लोग का चला 15 से लेकर के 20 के बीच में, तो सब बहुत सारा काम पूरा हो चुका। ये सब काम कर रहे हैं, हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, शौचालय निर्माण का भी काम लगभग पूरा हो चुका है, टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो गया, कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। और आप सब जानते हो कि स्कूल क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना सब युवा कार्यक्रम का लाभ युवाओं को मिल रहा है, युवतियों को मिल रहा है, इसको आगे भी जारी रखना। तो ये सब काम कर रहे हैं, और इस बार जो काम मिला है तो हम लोगों ने मिलकर के साथ इससे जून की शुरुआत कर दी है। इसके लिए क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं, आप जो कुछ भी काम पहले हमने देखे थे, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हम जो मदद कर रहे थे, 5 लाख रुपये अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये ऋण बिना कोई टैक्स के, ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था। और अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया कि किसी भी वर्ग की महिलाएं होंगी, यानी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के पुरुष हो या स्त्री हो, उनको जो सुविधा मिलती थी, बाकी जितनी बच्चों में महिलाएं हैं वर्ग में उन सब लोगों के लिए भी यही सुविधा दी गई, यानी 5 लाख रुपये तक का अनुदान और 5 लाख रुपये का ऋण बिना टैक्स। और इसके अलावे जो बाकी पुरुष बच्चे हैं अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावे, उन सबों को 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का ऋण सिर्फ 1% टैक्स लेकर के। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, हर तरह से एक एक चीज को काम किया जा रहा है। और आप जानते हैं पहले हम लोगों ने क्या किया,
के लिए, लड़कियों को पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अगर इंटर पास करती थी महिलाएं और आम वाली थी तो उनको 10,000 और कोई 12 ग्रेजुएट हो जाती थी तो उनको देते थे 25,000। और अब कर दिया है इंटर पास करेगी महिला तो उसको देंगे 25,000 और ग्रेजुएट हो जाएगी तो उनको देंगे 50,000। तो ये सब काम शुरू कर दिया है हम लोगों कि कौन कौन चीज हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी लोग तो अपना खूब प्रचार करते रहते हैं, हम तो प्रचार उपचार में दम नहीं देते, सही काम ही करते हैं। बहुत आवश्यक चीजों की सूचना देनी है, प्रचार में होता है, हम लोग अपने फसल अवशेष प्रबंधन पर भी काम जारी।
एक एक चीज का तो जो भी काम किया 100 रुपया पर पूरा का पूरा जोर दिया जा रहा है हरियाली अभियान का है और हरियाली के लिए
और फिर आप जानते हैं हम लोगों ने पर्यावरण की बात की, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात बार बार करते रहे हैं। तो इको टूरिज्म के विकास के लिए सभी कार्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना होगी की जाए और इसके अंतर्गत पहाड़ी नए प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण रख रखाव किया जाए। इसके लिए उपयुक्त इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण निश्चित किया गया। यानी आप समझ लीजिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, नई पीढ़ी के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति रहेगी, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए जो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके लिए विभाग के अंदर ही इसके इंतजाम का और देखभाल का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा सभी गांव में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से आच्छादित किया जाएगा। अभी नहीं है, दुग्ध सहकारी समितियों से सभी गांव आच्छादित नहीं है, कम है, लिमिटेड है, इसलिए अब करेंगे सब जगह, यानी जो भी दूध का गिनतियां होता है उसकी खरीद हो जाएगी। तो इस पूरा का पूरा और जितनी भी समितियां बनेगी उसके लिए इसके लिए प्राप्त लेने के लिए दुग्ध सहकारी समितियां जो बनेगी उसमें 40% समितियां महिलाओं के अधीन है, महिला दुग्ध समिति। ये सभी गांव में इसके लिए हम लोगों ने तैयारी करने का निर्णय ले लिया। ये होगा आखिर जो सुधा डेयरी के उत्पादन के लिए विक्रय केंद्र अभी तक शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, ज्यादा जगह पर नहीं है। जो आपका सुधा डेयरी का बिकता है लिमिटेड जगह पर, सीमित जगह पर, शहरी क्षेत्रों में, अब उसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तारीकरण करने का है। और इसके लिए जितने नगर निकाय हैं और जितने प्रखंड हैं सब स्तर पर सुधा डेयरी के उत्पादन के लिए बिक्री केंद्र खोले गए हैं ताकि उसकी बिक्री भी ज्यादा हो और लोगों को सुविधा भी मिले। यानी जो उत्पादन जिनके घर पर होता है उनका बिक जाए और दूसरे लोगों को दूध लेना है उसको बढ़िया दूध मिल जाए, खरीदने की सुविधा हो जाए, ये काम किया जाएगा। और इसके अलावा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिसका जिक्र किया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछले वर्ग के लड़के लड़कियों को जो हम लोग यूपीएससी में जो मदद करते हैं अंतिम परीक्षा के लिए 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस योजना के सभी महिलाओं के लिए ये इंतजाम अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं को तो है सुविधा पुरुषों या स्त्री, लेकिन बाकी जितनी महिलाएं इन सबों के लिए भी ये सुविधा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 रुपया बीपीएससी के अंतिम परीक्षा के लिए और 1,00,000 रुपया यूपीएससी के अंतिम परीक्षा के लिए, यानी सभी वर्ग की युवतियों के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाए। और इसके बाद आप जानते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया, अब सबके लिए 2.5 लाख हो गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब बिहार में हम लोग पहले 1.5 तक का था तो 1.5 लाख का था, उसको 2.5 लाख में अति पिछले वर्ग के लिए किया, अनुसूचित जाति जनजाति को 2.5 लाख का था, उनके परिवार की आमदनी इतना है उसी को ये सुविधा मिलती है। अब केंद्र सरकार ने पिछले वर्गों के लिए भी कर दिया 2.5 लाख रुपये, तो राज्य सरकार का फैसला है कि अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपये, अगर जिनकी पारिवारिक आय सीमा उनको इन सब प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी मैट्रिक छात्रवृत्ति में उनको सुविधा मिल जाएगी। और क्योंकि केंद्र का निर्णय 2.5 लाख का है इसका पारिवारिक आय सीमा का, हम लोग
3 लाख का करेंगे तो 2.5 लाख के बाद 3 लाख कमाएंगे, जितने होंगे उन सबों का जो भी होगा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उसका भी पाने का सीमा के कारण उसके लिए जो अतिरिक्त खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, ये तय कर दिया जाएगा। और इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षकों में प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ध, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ध, भवंश माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक संवर्ध का गठन किया गया। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, मतलब आप समझ लीजिए जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें भी जो होंगे प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो होंगे प्रधानाध्यापक, इसकी नियुक्ति होगी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये भी शिक्षा विभाग में एक बहुत उस पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय हुआ है कि यह घोषणा करना आवश्यक था। और एक चीज और भी आखिर में, केंद्र सरकार के स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% में जो मिलता है केंद्र ने तय कर दिया 28%, तब राज्य में भी हम उसको बढ़ा करके महंगाई भत्ता का दर 11% बढ़ाते हुए 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया गया। और इसके संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा ताकि सब लोगों को छूट के लिए फायदा हो जाएगा। सारे हमारे जितने भी लोग हैं, इम्प्लॉयज हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों को भी 28% का होगा। तो ये भी काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरह से जो भी काम हो रहा है सरकार अधिकारी और आगे भी हम लोगों का जो काम करने वाले हैं इसके बारे में कुछ बता रहे हैं और कुछ घोषणाओं का भी कुछ कर रहे हैं। अब सब काम कर दिया गया, अब इसलिए तो अब ज्यादा देर आप लोगों को इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे, पर्यावरण का संरक्षण हो, राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है, हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है, हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज के समारोह के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विनीत कुमार आज के समारोह के मुख्य अतिथि थे। परेड विसर्जन के अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी बड़े Thank you.
एक हो करेल की टुकड़ी हो मैदान में और दूसरी ओर से राज्य के लिए विकासात्मक कार्यों का रंग मैदान की पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। ये झांकियां विभिन्न विभागों पर्षदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित राज्य स्वास्थ्य